वो बेटी का हमें याद आ रहा बार बार, वो बिटिया दिल्ली में, श्रद्धा, एक विधर्मी दूसरे धर्म के व्यक्ति, आपताब जिसका नाम था, उससे उसने प्रेम किया। और पता है क्या दुर्दशा हुई, 35 टुकड़े किए गए हैं, 35 टुकड़े। मैं प्रार्थना करूंगा स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। इसलिए तो हम कहते हैं अब ऐसे लोगों से बचने के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हम सनातनी हिंदू हैं, हमारे अंदर हिंदू का खून है, हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन एकता के लिए बोलते रहेंगे। बुरा मत मानना, मैं यहां बैठे सब पागलों से कहूंगा मुझे लौटकर दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करते थे, करते रहेंगे। और आपताप जैसे विरोधियों को, धर्म विरोधी जो मानवता के भी विरोधी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम जंग लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है, भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना, कितनों की नहीं हुई, ये कोई नया कांड नहीं है, कितनों की नहीं हुई। क्या गुजरी होगी हमारी बेटी श्रद्धा के ऊपर, बहन श्रद्धा के ऊपर, जब उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए होंगे। महाराज जी अभी की घटना है, ताजी फ्रिज में रखा है उसने 35 टुकड़ों को, ज्यादा से ज्यादा 7-8 टुकड़े हो सकते हैं शरीर के, 35 टुकड़े उसने फ्रिज में रखा है। अब वो फेंक के चला भी जाता, रोज एक एक टुकड़ा फेंक रहा था, कोई सुन भी नहीं पाता, मुंबई भी भाग जाता, और शायद हमारी श्रद्धा गुमनामी के उसमें भग जाती। लेकिन ईश्वर की कृपा थी हिंदुओं को जगाने के, हिंदुओं को बताने के लिए कि मेरी बहनों तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर हैं। तुम विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना, कम से कम वो मस्तक पर तिलक, गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना, विवाह करना। मेरी बहनों दूसरे धर्म के लिए बुरा मत मानना। आज की कथा में मुझे बहुत, आज दरबार में इस बात के लिए बहुत आवेश आ रहा था, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। भैया दूसरे धर्म का व्यक्ति रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड के तेल में हाथ डाल दे, फिर तिल के बोरा में हाथ डाल दे, जितने हाथ में तिल छप जाए उतनी बार भी कोई सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर विश्वास मत करना। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे वाक्य नहीं है, महाराणा प्रताप के वाक्य हैं। दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर तेल के कनिष्ठर में हाथ बोरकर तिल के बोरा में, बोरी में हाथ डाल दे, और जितना तिल हाथ में लग जाए उतने बार भी वो अपने बाप की सौगंध खाए तब भी तुम एक तिल बराबर उस पर भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। अब समय जगने का आ गया। और भारत, इस वीडियो को हम कहेंगे जरूर जन जन तक पहुंचाना, भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो, तब तुम्हारी माला ठीक है, तब तुम गुरु के चेला ठीक हो। आपस में लड़ लड़ करके सनातन को मत दुबाओ, प्लीज प्रार्थना है, लड़ना तो इन विरोधियों के खिलाफ, अब एक हो जाओ, अब समय आ गया है। भैया हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप आग फैलाते हो, कई जगह हमारे नाम से पुतले फूंके जाते, अनशन किए जाते, YouTube पर हमारे नाम से फंडिंग कर करके हमारे खिलाफ चैनल बनाए जाते, लेकिन हम डरते नहीं है, तुम्हें जो हो
करो, तुम्हारा काम है, धन्यवाद, सेम टू यू, लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करेंगे। जब तक जिएंगे तब तक, क्योंकि हम गद्दार नहीं, हम सनातन हिंदू हैं। सनातन बुरा मत मानिएगा, हम ब्राह्मण भी कह सकते थे अपने आप को, लेकिन हमारा पहला परिचय हम हिंदू हैं, वो भी सनातनी हिंदू। हम जातिवादी नहीं हैं, सनातनी हैं। अब यहां पर बैठे लोगों को भी जगना पड़ेगा, अरे तुम सोचो हमें क्या फायदा है बोलने से, हमारी कथा तो वैसे ही खूब है, दरबार में वैसे ही खूब समुदाय आ रहा, हम तो खामखा मोल आफत ले रहे हैं, हम तो जो धर्म विरोधी लोग हैं मिशनरियां इनके टारगेट पर हैं आज के समय, टारगेट पर। जब से हमने आदिवासियों की कथा प्रारंभ की, मिशनरियों को अटैक आने लगा है कि ये आदमी अगर ऐसे ही जाता रहेगा तो एक दिन, उन्हें पता है कि ये आदमी जहां भी जाता है वहां कुंभ नहीं महाकुंभ लगा कर आता है, इसमें हमारी कोई महिमा नहीं, महिमा बागेश्वर बालाजी की है, इसमें हमारी कोई महिमा नहीं, महिमा ये जो संत बैठे हैं इनके भजन का प्रताप, इनके चरणों की कृपा, और इनका हाथ हमारा माथ है उसका ये प्रताप है। तो बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना, तुम मर जाना बिना विवाह के, काना कुबरा लंगड़ा लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन, मेरी बहन, अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगा कर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा, वो कालनेमी बनकर आएगा, वो अगर कालनेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी बाई और दुर्गा बन जाना। तुम्हें अब रानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और चंबल की बहनों, तुम पर कम असर है क्या रानी लक्ष्मी बाई का, ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो, और कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना है, हो सके तो उसका पुरजोर विरोध करना। क्योंकि पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में, नवरात्रि में गरबा में आएगा, अगर कुछ बोलो तो लोग कहते गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ, भाईचारा भर क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए, गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं, बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए, भाईचारा भर क्यों, भाई बहन चारा चलाओ, वो भी लेकर आए गरबा में, वो भी अपनी माताओं को अपनी बहनों को लाए, हमारी बहनें जाती हैं गरबा में महोत्सव में, वो भी लेकर आए, लेकिन नहीं, अगर कुछ बोलो तो कहते हैं गुरुजी तो आद फैलाते हैं, बागेश्वर गुरुजी के बिगड़े बोल, बागेश्वर महाराज के भड़काऊ भाषण, ठटरी के परे नकटा। तुझे सनातन की एकता की बात भड़काऊ नजर आती है, हिंदुत्व एकता की बात भड़काऊ नजर आती है, भारत के संत एक मंच पर हो जाए ये बात बोले तो तुझे नफरत, तुझे हम भड़काऊ नजर आती है, बुरा मत मानना, सब अधिकारी भी बैठे, सब लोग भी बैठे, जो जिस पद पर है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है तुम पद पर हो, हम पे बालाजी की कृपा है कि हमें गुरुजी ने, बालाजी ने व्यास पीठ पर बैठा रखा है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारा एक कर्तव्य है, वो है सनातनीय हिंदू एकता। कर्तव्य का पालन करना, चाहे वो राजपीठ के लोग भी बैठे हैं, राजनेता भी बैठे हैं, तुम्हें भी सौगंध है सनातन धर्म की, तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया पर झुके नहीं, और हम लोग झुक जाएं, क्या बुझदिल है,
सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के देश के लोग हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद की भूमि के लोग हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, और आजकल साधु ही साधु की निंदा कर रहा, एक सरकार दूसरी सरकार पर टारगेट। मैं प्रार्थना करूंगा साधुओं को एक होना पड़ेगा, लड़ने से काम नहीं चलना है, शक्ति दिखाने से काम नहीं चलना। और शक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो क्या खाक दिखाई, शक्ति दिखाना ही है ना, सब सनातनी संत एक हो जाओ और इन विरोधियों को दिखाओ शक्ति क्या होती है। हमारी श्रद्धा बहन के साथ जो हुआ ना दिल्ली में, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो, ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचा देना, ताकि कोई तो जगे, कोई तो जागे, किसी के अंदर तो सनातन की हमारी ये दुख हमारी पीड़ा जगे। हमारा दुख हमारी पीड़ा सनातन है, कोई तो समझे। इतने के लिए हमें कथा व्यासों में, हम सब कथा व्यासों को मानते हैं, पूज्य गुरुदेव जगतगुरु भगवान तो भगवान है, वो तो एकदम कट्टर बोलते हैं तुलसी पीठाधीश्वर, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी भी अब तो एकदम बोलने लगे हैं, लेकिन एक हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे बड़े भैया पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर, वो महापुरुष काम का, वो महापुरुष काम का है। हम लोगों में इसलिए आपस में टूनेंगे, छोटे भाई और बड़े भाई, वो महापुरुष काम का है। कुछ भी कहो, हमने कुछ कोई हमें बता रहा था, बोले गुरुजी उन्होंने कथा बाद में की, पहले श्रद्धा की चर्चा की। अरे हिंदू वही है, सनातनी वही है, सबसे पहले अगर सनातन नहीं बचेगा, हिंदू नहीं बचेगा, तो बताओ कथा कौन सुनेगा, कौन कहेगा, मंदिर कौन जाएगा, संतों को प्रणाम कौन करेगा, रामायण कौन बांचेगा, राम के बारे में कौन जानेगा, संस्कृति को कौन अपनाएगा, संस्कार को कौन अपनाएगा, कोई नहीं अपनाएगा। इसलिए वर्तमान में सनातनीय हिंदुओं का एक होना जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है।